ये सब कारण छोटे हो जाते हैं और मुख्य कारण होता है प्रभु की स्वेच्छा, और मैं इसी को मानता हूँ। बिल्कुल सही है। तो औरंगजेब लेके कितनी कहानियाँ सच हैं कि उन्होंने मतलब अटैक करा, फिर उनकी नेत्र ज्योति चली गई, फिर श्रीनाथ जी की सेवा करी तो वापस आई, क्योंकि ये कई कई कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं विशाल बाबा साहब। ये कहानी सही होंगी इसलिए आज भी ये परंपरा होली के दिन निभाई जाती है। बादशाह की सवारी निकलती है और अपने दाढ़ी से प्रभु के ढेली को वो सफाई करता है, क्षमा मांगता है, क्षमा याचना करता है। और आप देखेंगे कि जिस दिन से उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के खिलाफ आवाज उठाई, मुगल सल्तनत का पतन शुरू हुआ। उस दिन से पतन शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब एक बार हम लोग हिस्ट्री से जरा आज के प्रेजेंट में आते हैं। और मेरा आज से प्रश्न ये है कि अब हम लोग देख रहे हैं जी कि, और भारत के जो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, टेम्पल ट्रस्ट हैं, हमारे यहाँ की सरकार और उसके साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ है, आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? अगर ये धर्म के हित में हो तो हमें स्वीकार्य है। क्या ये धर्म के हित में है? वे उन पर निर्भर है कि किस प्रकार से वे अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। अगर वे धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो सराहने की बात है, परंतु अगर वे अपने निजी स्वार्थ लोभ के कारण अथवा प्रसिद्धि पाने के लिए अगर वे घुसपैठ कर रहे हैं तो ये हमें स्वीकार नहीं है और इसका हमें विरोध करना चाहिए। हमारे देश जो है जी, वो भारत का संविधान है, रूल ऑफ लॉ, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द नेशन, उसके तहत चलता है। क्या आप ये मानते हैं कि जो पुष्टि संप्रदाय के हमारे जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और आज की मॉडर्न एज को देखते हुए? ये हम आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं विशाल बाबा साहब से कि, जैसे मैं ब्रेक से पहले पूछ रही थी जी कि पब्लिक फोरम में उठाते हैं, मंदिर को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं, आप कहाँ जाके सुनवाई करेंगे, किसको जवाब देंगे कि नहीं ये नहीं है या ये है या व्हाटएवर? पहली बात तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। परंतु अगर वे प्रश्न मंदिर हित के हों तो उनका स्वागत है, पर अगर वे प्रश्न मंदिर परंपरा, भक्तों की आस्था एवं जो पुष्टि परंपरा है उसके विपरीत हो और उसमें स्पष्ट किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई समाज का निजी स्वार्थ दिखता हो, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। ये एक प्रकार की अनधिकार चेष्टा है जिसके खिलाफ मैं ही नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा पुष्टि मार्ग के वैष्णव एकत्रित होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। नहीं, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। आपको लगता है कि आजकल का समय देखते हुए क्या पुष्टि मार्ग को कुछ सिद्धांत में चेंज करने की आवश्यकता है मॉडर्निटी को देखते हुए? जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया कि पुष्टि मार्ग एक आर्ट ऑफ लिविंग है और ये पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांत 500 साल पहले जैसे थे उस समय की लाइफस्टाइल में सेट होते थे, ये सिद्धांत आज भी होते हैं। हमारे संप्रदाय में संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है, गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, घर में रह करके स्वधर्म आचरण पूर्वक अपने परिवार के साथ आप प्रभु की सेवा करें, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए। जिम्मेवारी से मैं बात, मुझे राजस्थान सरकार की याद आ गई थी। तो राजस्थान सरकार से आपको क्या उम्मीद है, एक या दो? सरकार से तो कई उम्मीदें हैं, पर हालांकि अगर हम एज अ धर्माचार्य अगर हम देखें जी, तो प्रभु विराजमान हैं और जिस प्रकार का वातावरण आज देश में चल रहा है, हम यही चाहते हैं कि हमारी बाहरी सुरक्षा, उनकी तरफ से CISF इत्यादि कोई गार्ड्स हों जो वे मुहैया करावें। ये एक्चुअली मेरा दूसरा प्रश्न था जिसने आपने बोल दिया कि श्रीनाथ जी की सेंसिटिविटी को देखते हुए कि CISF सिक्योरिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? होनी चाहिए, एटलीस्ट जो आउटर पेरिफेरी है
कि जहाँ मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ इस प्रकार के अगर सशक्त और आर्म्ड फोर्स अगर वहाँ रहेगी तो एक मनोबल मिलता है और धर्म के लिए भी एक ये एक सिक्योरिटी की फीलिंग जागृत होती है कि हम जो कि आजकल के माहौल को देखते हुए विशाल सब जरूरी हो गई है, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। और कोई दूसरी एक आपकी एक्सपेक्टेशन आशा राजस्थान सरकार से? हमें हमारे धर्म का आचरण करने दें, हम भारत के कानून के तहत धर्म आचरण कर रहे हैं, न उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ये, तो मेरे ख्याल से ना ही सिर्फ श्रीनाथ भक्तों की पर हर हिंदुस्तानी की एक्सपेक्टेशन है जी अपनी सरकार से, कि हमें हमारे दायरे में रहते हुए भारत के संविधान के तहत हमारे धर्म का आचरण करने दें। सही बात है सर। अपना श्रीनाथ टेम्पल ट्रस्ट कुछ सोशल सर्विसेज भी करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लिस्ट तो बहुत बड़ी है पर हम एजुकेशन से लेकर के कन्या पाठशालाओं में जमीन दी है, हॉस्पिटल्स, चैरिटी और विधवाओं को हम चैरिटी जिस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे कई पहलू हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए आपके दिल के नज़दीक कौन सा है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लंबी लिस्ट है, तो लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सा चैरिटेबल कार्य है जो आप करते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ इसमें भी मुझे श्रीनाथ जी की सेवा जितना ही नहीं तो उसे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है? एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें एक आंतरिक खुशी मिलती है, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो तैयार होंगे उन्हें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मुझे इस संस्था द्वारा या श्रीनाथ जी ने मेरा पालन पोषण किया है, तो उसका जो प्रेम अपने माता पिता के प्रति जो रहेगा वही प्रेम उसका श्रीजी बाबा के लिए रहेगा। हम बिल्कुल ये चाहेंगे, लेकिन विशाल बाबा साहब एक प्रश्न आपने आज जब ये उठाया है तो मैं ये पूछ लेती हूँ आपसे कि हर कोई ये कह रहा है कि देश का जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं राह भटक गया है, और इसका मेरा मतलब किसी भी तरह राजनीतिकरण से नहीं है, मेरा मतलब है जो हम लोगों में चाहे माता पिता का ध्यान नहीं रखने का है, चाहे हम लोग अपनी बहनों की अपने राह चलतों की हम लोग गंदी नज़र से देखते हैं, चाहे अपने देश की स्वच्छता है, चाहे ये जो इंटरनेट की वजह से एक जो मतलब एक हमारा दिल और मन खराब हो चुका है, मैं इन्हीं सभी बातों पे कहती हूँ। और मैं अक्सर ये प्रश्न करती हूँ धर्म गुरुओं से, आप लोगों की सर करोड़ों की फॉलोइंग है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपके प्लान्स हैं कि आप देश के युवा को सही मार्ग पर लाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं जो कि हिंदू धर्म और हमारे भारत देश के लिए एक एसेट साबित हो? देखिए सिद्धांत जो हैं वे अच्छी बातें ही सिखलाते हैं, पर बैकलॉग ये आ गया है एक भारतवर्ष के लिए कि जो सिद्धांत हैं वे ऐसी भाषाओं में जो आज के युवा वर्ग समझते नहीं है। मेरा ये प्रयास है कि वे कठिन भाषाओं को उस प्लेटफॉर्म में परोसा जाए जो प्लेटफॉर्म वो समझते हैं। आप किस तरह कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिद्धांत हम लोग इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करें, ऑडियो बुक्स में करें, आर यू एक्चुअली डूइंग समथिंग लाइक दिस? यस, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, बच्चा पत्र नहीं लिखना चाहता, ईमेल करना चाहता है। सही बात है, रोज की न्यूज वो अखबारों में ना पढ़ते हुए एप्स में पढ़ना चाहता है। तो जितने पुष्टि सिद्धांत हैं या अथवा हिंदू धर्म के जितने सिद्धांत हैं, अन्य धर्म गुरुओं से भी मेरा यही गुजारिश है कि उन सिद्धांतों को डिकोड करें आप एप्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, उनकी लैंग्वेज चेंज करिए, अंग्रेजी भाषा समझते हैं तो अंग्रेजी में उन्हें पेश करिए, वे बच्चे आपसे जुड़ेंगे। जो एक डर का माहौल है कि ये धर्म हम नहीं फॉलो कर सकते, ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये इट्स टू टफ, यस इट्स आउटडेटेड, तो मैं ये उन बच्चों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म कैन नेवर बी आउटडेटेड। वेरी ट्रू, नजरिया है एक नई सोच का, उस धर्म को एक नए यूनिफॉर्म में पेश कर दीजिए, बच्चा दौड़ करके उस धर्म को अपना लेगा। विशाल बाबा साहब मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, और प्रश्न नहीं है ये तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि श्रीनाथ जी के सेवक होने के नाते और पुष्टि मार्ग के धर्माचार्य होने के नाते आपका कोई मैसेज आज हमारे ETV न्यूज़ नेटवर्क के करोड़ों दर्शकों के लिए, तो आप प्लीज़ दीजिए। होली का पर्व है,
जैसे कि हमारे पुष्टि संप्रदाय में सख्य भाव प्रधान माना गया है, दासत्व तो है ही, पर इन दिनों में सख्यता की मुख्यता रहती है, सख्य अर्थात सखा भाव, फ्रेंडशिप, जो माहौल आज के वातावरण में देखने को नहीं मिलता है। मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किन्हें भी अपना आइडल माने, भले ही वो रामचंद्र जी क्यों ना हो, गौतम बुद्ध क्यों ना हो, प्रभु कृष्ण क्यों ना हो, एक को अपना रोल मॉडल बनाएं, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें, फिर देखें कि जिंदगी कैसी रंगीन है। बहुत ही खूबसूरत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल बाबा साहब। होली की शुभकामनाएं, होली की राम राम हम सभी की ओर से। शुभकामनाएं आपको। तो जी, अब श्रीनाथ जी नाद्वारा की पावन धरती से मैं आप सभी से इजाजत लेती हूँ। राधे राधे, जय हिंद।